कई दशक से खंडर पड़े रामलीला संस्थान ने भूखंड का सौंदर्यकरण कराने को लेकर भगवान राम की कृपा से आज उसकी नींव रख दी। ये कहना है रामलीला संस्थान के अध्यक्ष राहुल कामिया का। श्री रामलीला संस्थान के तत्वाधान में शुक्रवार को कच्ची मंडी में जानकी भवन निर्माण की नींव रखी गई। भवन निर्माण में करीब 20 लाख रुपए की लागत आएगी। लाला प्रेमचंद जैन मिश्री देवी की स्मृति में बनने वाले जानकी भवन का शिलान्यास राधा माधव मंदिर, महंत चैतन्य दास लायंस इंटरनेशनल क्लब फाउंडेशन, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पीसी जैन, रामलीला संस्थान संयोजक कमल किशोर वाष्णेय, अध्यक्ष राहुल कामिया, मंत्री प्रबोध बठेनिया, पंडित मोर मुकुट शास्त्री के मंत्रोच्चारण के साथ की गयी। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पीसी जैन ने कहा के निर्माण की बात जो रहे भूखंड पर आज जानकी भवन निर्माण का समय आ गया है, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है उसका असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको फल अवश्य मिलता है। इस मौके पर लीला निर्देशक पंडित सत्यनारायण, अशोक कामिया, प्रताप चंद अग्रवाल, सुभाष गोयल, हरिओम गुप्ता, चेयरमैन नरेंद्र गुजर, पूर्व चेयरमैन भगवत प्रसाद रोहिला, हुकम चंद अग्रवाल, नवल किशोर, मुकेश जैन आदि तमाम लोग मौजूद रहे। संस्थान के अध्यक्ष राहुल जैन कामिया ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष जी बताएं, जो आज रामलीला के भवन का निर्माण की नींव रखी गई है। श्री रामलीला संस्थान के तत्वाधान में स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन एवं श्रीमती मिश्री देवी जैन के सुपुत्र श्री पीसी जैन, गिरिराज प्रसाद जैन एवं सतीश चंद जी जैन द्वारा इस धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम तल का यह कच्ची मंडी में स्टेट बैंक के सामने गली में स्थित है। ये भूखंड बहुत पुराना रामलीला संस्थान का था, जो पिछले 3 वर्ष पहले रामलीला संस्थान द्वारा खुलवाया गया। अब उस पर एक बहुत सुंदर धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि बाजार के लोगों को, कच्ची मंडी के लोगों को, समाज के लोगों को, सबको उसका लाभ मिलेगा। यही बस इसी का आज नींव पूजन किया गया था। महंत राधा माधव के महंत श्री चैतन्य दास जी महाराज एवं श्री पीसी जैन, हमारे शहर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुभाष गोयल जी, हरिओम गुप्ता जी, प्रथम व्यक्ति श्री नरेंद्र गुर्जर जी, भगवत प्रसाद रोहेला जी, प्रताप चंद जी अग्रवाल, संयोजक श्री कमल किशोर जी वाष्णेय आदि कोसी के सभी गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे। श्री रामलीला संस्थान के आचार्य पंडित मोर मुकुट शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच आज उसका नींव पूजन किया। तो इसका नाम क्या दिया गया है? जानकी सदन के रूप में यह भवन जाना जाएगा, क्योंकि पहला जो भवन है वो राम भवन है और इसका नाम जानकी सदन दिया गया श्री रामलीला संस्थान।